वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। नमस्कार, मैं अमन राव, आपका स्वागत है वीके न्यूज पे। भैया चुनाव है इसलिए नेता घर घर भी जा रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें भी कर रहे हैं। अब चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वोटर्स को रुझाने के लिए नेता भी तरह तरह के स्वांग रचा रहे हैं। कोई हिंदू बनकर वोट मांग रहा है तो कोई इतिहास को दर्शा रहा है। ताजा मामला उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में सामने आया है। यहाँ एक कांग्रेस प्रत्याशी लोगों से ये कहकर मतदान कराने की अपील कह रहे हैं कि उन्हें भिखारी समझकर ही वोट दे दिया जाए। अब उम्मीदवार का ये अंदाज पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गया है। अरे भाई, मैं तो भूल हूँ ना, हम तो भिखारी चाह रोज जनता पास होना असम झूम यार, ये भिखारी से आज ये आवाज दे दिया, रोज तुम परेशान करो, तो इस भिखारी को एक बार भीख दे दो। ये है टिहरी गढ़वाल की घनसाली विधानसभा सीट से अपना भाग आजमा रहे कांग्रेस प्रत्याशी धनीलाल शाह, जो अपने इलाके में अलग ही अंदाज में वोट मांग रहे हैं। भीख के रूप में वोट मांग रहे हैं, धीनलाल मतदाताओं से और भी काफी कुछ बातें कर रहे हैं। वो घर घर जाकर लोगों से कह रहे हैं कि मुझे आपसे पूरी उम्मीद है कि इस बार आप मुझे विधानसभा जरूर भेजेंगे। अगर आप मुझे वोट नहीं दे सकते तो मेरे हारने के बाद अर्थी पर एक एक लकड़ी जरूर डाल देना। धनीलाल शाह जो सिंपथी कार्ड खेल रहे हैं उसका फायदा उठानेंगे या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल तो हम आपको उत्तराखंड की थोड़ी जानकारी दे देते हैं। 70 सीटों वाली उत्तराखंड विधानसभा का कार्यकाल 23 मार्च 2022 को खत्म हो रहा है। यहाँ कांग्रेस, बीजेपी के साथ साथ आम आदमी पार्टी, बसपा और छोटे छोटे कई दल अपनी किस्मत आजमाने में लगे हैं। हालांकि बीजेपी के लिए उत्तराखंड चुनाव सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण बना हुआ है, क्योंकि यहां दो दशक से हर 5 साल में सत्ता बदलने की परंपरा चली आ रही है। ऐसे में कांग्रेस पूरी उम्मीद कर रही है कि वह सत्ता पे वापस आए। वहीं बीजेपी उत्तराखंड में सत्ता परिवर्तन के मिथक को तोड़ने में जुटी है। पिछले चुनाव की बात करें तो उत्तराखंड में 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 57 सीटें जीती थी और प्रचंड बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई थी, जबकि विपक्षी दल कांग्रेस को 11 ही सीटें मिल चुकी हैं। तब देवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन 4 साल के बाद ही उन्हें हटाकर बीजेपी ने तीरथ सिंह रावत को सत्ता की कमान सौंपी। लेकिन कुछ ही महीनों में तीरथ सिंह रावत की जगह पुष्पकर सिंह धामी को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाएंगे, यानी 3 मुख्यमंत्री चेंज हो गए। तो देखना होगा कि यहाँ की राजनीति में इस बार क्या उछल कूद मस्ती है। अब आपकी क्या राय इस पूरी खबर को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज राष्ट्र के। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज राष्ट्र के नाम।